और जेल में रहकर लालू यादव कर रहे हैं कौन सा खेल, कौन सा उन पर आरोप लगा है, दक्षिण पर कितना भारी पड़ेगा निवार तूफान और नहीं रहे कांग्रेस के थिंक टैंक अहमद पटेल। देश प्रदेश की बाकी खबरों को देखते हैं टॉप नाइन देश प्रदेश में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मल्टीपल ऑर्गन फेल होने से उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया और परिजनों को सांत्वना दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेसी नेताओं ने शोक प्रकट किया है। 36,590 सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 2 से 4 दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद 5 दिसंबर के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पिछले दिनों 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को सही ठहराया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 8 जनवरी का वक्त दिया है। कंगना पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को भी धाराओं को लेकर फटकार लगाई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू यादव जेल से ही एनडीए विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मंत्री बनाने का लालच दे रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली चलो मार्च 5 राजमार्गों के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेंगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर को 2 दिन बंद करने का फैसला लिया गया है। अंबाला में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी उत्तराखंड राजस्थान केरल के किसानों ने भी 26 और 27 नवंबर को दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान निवार पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंच गया है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। चक्रवात निवार के चलते तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश हो रही है। इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ऑन व्हील्स को भी तैयार रहने को बोला गया है। कई फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई हैं। निवार साइक्लोन अभी चेन्नई से दूर है लेकिन उसकी वजह से कई इलाकों में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। शहर के कृष्णम्मा रोड समेत कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई है। मराना बीच एरिया में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी से ठंड बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर की पर्यटन नगरी गुलमर्ग में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। बीती रात हुई बर्फबारी की वजह से पहलगाम समेत कई जगहों पर रास्ते जाम हो गए लेकिन पर्यटक बेहद खुश हैं। देव उठावनी और एकादशी के मौके पर वाराणसी में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने घाटों पर गंगा स्नान किया और शांति समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु को लोक कल्याण के लिए शयन से जगाया जाता है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।